कल रात चांचौड़ा विनगंज नाके पर जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गंभीर घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घायल संतोष मीणा ने बताया कि कल रात वह 2 बजे के बीच नाके पर किसी काम से जा रहा था, तभी पीछे से आ रही काली कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर और हाथ पैरों में चोटें आई हैं। संतोष मीणा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मेरे साथ ये हुआ कि मैं रात को नाके पे जा रहा था, 2 बजे, 1-2 बजे करीबन, और पीछे से गाड़ी आई और चढ़ा दिया मेरे ऊपर। कार कले की गाड़ी थी और पता नहीं चला कौन धक्कों ने ऊपर चढ़ा दिया, पर एक मेरा दोस्त था उसके ऊपर चढ़ाई। जब उनने बताया कि वो क्या नाम है उनका, बबलू, उन में अंदर भी चला रहा था, पर लेकिन गई थे सर वो कह रहे जी थे, हमें पता है, मुझे 2-3 बार घूम चुके थे इधर उधर। वो कौन लोग हैं? वो ऐसे ही सर, वो बबलू और कई नाम, 2-3 नाम है सर, मैं जानते नहीं नाम तो पूछना पड़ेगा। मैं अंदर से पर दो लोग थे, मैं सकल तो जानता हूँ। अच्छा, तो क्या जान से मारने की कोशिश की? कोई जान से मारने की कोशिश कही, सर ऊपर चढ़ा दी थी बहुत गाड़ी, बहुत भगवान कृपा बगल गिर गया, नहीं तो मर ही जाता हूँ। वो 108 गाड़ी उठा ले, जो फोन लगाया उन लोगों ने देख के, रोड पे पड़े थे पूरे, पूरा खून निकल गया, पूरे बेहोश पड़े थे हम। इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायल के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके बेटों को रसूखदार के बेटों ने जान से मारने की गरज से कार से टक्कर मारी है, क्योंकि घटना को अंजाम देने वाले रसूखदारों के बेटे हैं, इसलिए पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था।